नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चमत्कारी टोटके में। दोस्तों, सुबह उठते ही यदि आप ये शब्द बोलते हैं तो इससे आपकी सारी इच्छाएं होंगी पूरी और शिव की आपको मिलेगी अपार कृपा। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे की तरफ कि क्या है वो शब्द जो आपको सुबह उठते ही बोलने हैं या क्या है वो उपाय जो आपको करना है। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा नए वीडियोज के नोटिफिकेशन के लिए। दोस्तों, अगर अचानक से आपका हर काम बिगड़ रहा है और कोई काम आपके अनुसार नहीं हो रहा है और आपका मन भी नहीं लग रहा काम में और घर पे जो माहौल है वो खराब होता जा रहा है या निगेटिव होता जा रहा है, बुरे ख्याल आपको आ रहे हैं, ऐसे में बहुत ज़्यादा टेंशन आपको सारा दिन रहती है, वो परिवार से रिलेटेड हो, व्यापार से रिलेटेड हो या फिर कोई भी चीज़ जो आपकी पूरी नहीं हो पा रही है, कोई ऐसी इच्छा जो आप चाहते हैं पूरी हो लेकिन वो किसी भी प्रकार से पूरी नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आज हम आपको जो मंत्र या उपाय हम बताएंगे वो आप अगर करते हैं तो आपकी सारी इच्छा आसानी से पूरी हो जाएगी। दोस्तों, कौन है जो महादेव की कृपा ना पाना चाहते हो, तो ऐसे में महादेव की कृपा आप पे बनी रहे तो उसके लिए आप ये उपाय आसानी से कर सकते हैं। तो उसके लिए कमेंट बॉक्स पे ओम नमः शिवाय आप जरूर लिखे दोस्तों, क्योंकि शिव की कृपा यदि आपको प्राप्त होती है तो आप हमेशा से ही आपका जो परिवार में जो है सुख शांति भी बनी रहती है और हमेशा आपकी जितनी भी इच्छाएं हैं शिव उसे चमत्कारी रूप से पूरा भी करते हैं। वैसे तो दोस्तों, पूजा पाठ करने से शिव को प्रसन्न किया जाता है, पूजा पाठ आदि जल चढ़ा के, लेकिन जो ये शब्द मैं आपको आज बताने वाली हूँ उस शब्द का ही उच्चारण यदि आप रोज सुबह उठकर कर लेते हैं तो बिना पूजा पाठ के भी आपको इतना फल प्राप्त इसका होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। तो दोस्तों, भोलेनाथ व महागौरी सदैव आप पर कृपा बरसाते हैं, तो ऐसे में यदि आप किसी एक को भी प्रसन्न करते हैं तो आपको इसका निश्चय तौर पे चमत्कारी फल जो है देखने को मिलता है। अब इसे जो ये उपाय है इसे कोई भी कर सकता है, विद्यार्थी या फिर बच्चे भी इसे कर सकते हैं, इससे उनके मानसिक विकास में वृद्धि होती है, अगर वो कोई परीक्षा दे रहे हैं तो इसमें निश्चय तौर पे सफल भी होते हैं। घर की स्त्रियों को भी ये करना चाहिए और सबसे बड़ी बात, इसे करने के लिए आपको स्नान तक करने की भी जरूरत नहीं है। जी हाँ दोस्तों, घर की स्त्रियाँ या नवविवाहिता यदि इसे करती है जो कि नई दुल्हन आपके घर पर आई है तो उससे क्या होगा, उत्तम संतान की प्राप्ति होती है जो कि बहुत ही भाग्यशाली होती है आपके लिए, वहीं वैवाहिक जीवन जो है बहुत ही अच्छा रहता है और घर में सुख समृद्धि का माहौल रहता है। वहीं बुजुर्ग अगर दीर्घायु और स्वस्थ जीवन के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं, इस उपाय को यूज कर सकते हैं। उसी तौर पे व्यापारी वर्ग जो है अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, जो भी व्यापार आप करते हैं, बिजनेस करते हैं, उसमें आपकी तरक्की हो, वृद्धि हो, उसके लिए आप इसे कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की इच्छाएं जो आपकी पूरी नहीं हो रही है उसे आप पूरा कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं आपको कैसे करना है। सुबह उठकर दोस्तों आपको अपने दोनों हाथ जोड़ने हैं, हथेलियों को जोड़ना है और ये आसान सा मंत्र आपको बोलना है, ओम जूम सह। ये जो मंत्र है ये एक लघु महामृत्युंजय मंत्र है। ये आपके कुंडली में यदि दोष है तो उसमें भी कमी आती है, कुंडली के दोष की कमी के लिए भी ये बहुत सहायक होता है। और आप इसके साथ साथ एक मंत्र का उच्चारण और कर सकते हैं। ये मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदः, प्रभाते कर दर्शनम। यानी कि हमारे हाथ के अग्रभाग में लक्ष्मी विराजती हैं और हमारे हाथ के मध्य यानी कि बीच वाले भाग में सरस्वती विराजती हैं और कर मूले यानी कि मूल भाग में गोविंद। तो ऐसे में सुबह सुबह अगर आप प्रातःकाल दर्शन करते हैं तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और आप पर शिव की कृपा भी असीम कृपा बनी रहती है। तो ऐसा आपको जरूर करना है। आप चाहें तो केवल वो लघु महामृत्युंजय मंत्र बोल सकते हैं या चाहें तो आप इन दोनों उपायों को एक साथ कर सकते हैं, यानी कि दोनों मंत्रों को एक साथ बोल सकते हैं, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेंगे और आपकी जीवन की जो भी परेशानियां हैं वो धीरे धीरे दूर होने लगेंगी दोस्तों। और इसी तरह से जुड़े रहिए अपने चैनल चमत्कारी टोटके के साथ। धन्यवाद।